हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नाम में क्या रखा है छोड़ो। मैं आज आपको बताऊंगा चैप्टर 5 का रत्न सागर साइंस लिविंग साइंस जो है क्लास 8 के उसका चैप्टर 5 में जो कोलिन पेट्रोलियम है उसका क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं पूरा बना लिया हूं और अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं आपको समझा दूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, आप इसको लिख भी सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1, तो यहाँ पे आंसर 1 दिया, क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं है। अभी आंसर 1 देख लीजिए क्या है। मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम वेयर फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर अगो। कुछ नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं जैसे कोल होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, वो बहुत सारे सालों में मिलकर बनते हैं या बहुत सालों पुराने होते हैं। अदर रिसोर्सेज सच एज सनलाइट, दूसरा रिसोर्स जैसे सनलाइट है, वे प्रेजेंट इवन बिफोर द अर्थ वाज फॉर्म्ड, यह तब भी था जब अर्थ नहीं था। रिगार्डलेस वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दीज रिसोर्सेज इन सम वे और द अदर वे, हम लोग किसी न किसी तरीके से इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है। दिस रिसोर्स आर टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज, इसको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जा सकता है, एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, और यह बहुत ज़रूरी है हम लोग के धरती के लिए और अर्थ के लिए। नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाई इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है वो दो तरह का होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका क्वेश्चन ये होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताइए एग्जाम्पल के साथ, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड आप इवन आफ्टर कंटिन्यूअस यूटिलाइजेशन आर टीम्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब कह रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता आफ्टर कंटिन्यूअस, मतलब लगातार यूज करने के बाद भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है, एंड टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, को फिर से लाया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ द सन, जैसे कि सन है, कितना भी यूज कीजिए ख़त्म नहीं होगा। विंड है, हवा है, टाइडल एनर्जी है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं, ये है कि जिसको सालों लग जाता है बनने में वो इसमें आता है, आपको आगे आपको पता चलेगा। इसमें रिसोर्सेज कैन नॉट बी इमीडिएटली रिप्लेस वंस दे आर डिप्लेटेड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि जिसको इमीडिएटली हम लोग नहीं ला सकते हैं, जो ख़त्म हो गया तो फिर मिलियन साल बाद आएगा, मतलब बनता है वो मिलियन साल में, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हुआ, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, और रेयर मिनरल टाइपिकल फाउंड इन मटेरियल्स, मतलब अलग अलग तरीका का जो चीज़ है, पेट्रोलियम गैस ये सब पाया जाता है, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में माना जाता है। अब यहाँ पर आंसर 2 है, इसका क्वेश्चन होगा वाटर फॉसिल फ्यूल्स, ऐसा कुछ। तो इसमें आंसर है फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम दि व्हाट इज मेड ऑफ, ऐसा कुछ होगा, अभी तो क्वेश्चन लेके नहीं बैठे हैं लेकिन देख लीजिए आप। फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल, जो प्लांट एनिमल डिकम्पोज हो जाता है उससे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, जो मिलियन ईयर्स में बनते हैं। दिस फ्यूल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, कॉन्टेंट कार्बन हाइड्रोजन, विच कैन बी बर्न फॉर एनर्जी, जो एनर्जी के लिए जलाए जाते हैं। कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, का एग्जाम्पल है कोल, एनर्जी कोल ऑयल और नेचुरल गैस। अब आंसर 3 में आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मस्ट नॉट बी वेस्टेड बिकॉज, फॉसिल फ्यूल्स वेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि दे आर जनरेटेड यूजिंग नेचुरल प्रोसेस फ्रॉम द फॉसिल रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट, वो डेड प्लांट से में बचे हुए फॉसिल से बनते हैं। बिकॉज दे आर प्रोड्यूस नेचुरली, क्योंकि वो नेचुरली प्रोड्यूस किए जाते हैं, देर विल बी नो और मिनिमल डैमेज टू द एटमोसफेयर, वो डैमेज भी नहीं करते हैं एटमोसफेयर को। कोक इज ए ग्रे हार्ड, कोक मतलब कोल हो सकता है, ये ग्रे हार्ड, हाँ नहीं कोक है, कोक दूसरा चीज़ है। कोक इज ए ग्रे हार एंड पोरोस फ्यूल विथ ए हाई कार्बन कॉन्टेंट एंड फ्यू इम्प्योरिटीज मेड बाई हीटिंग कोल और ऑयल इज द एबसेंस ऑफ एयर, ए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस,
डिस्ट्रक्टिव डिसलेशन प्रोसेस है, जिसके ये एक प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है इन सब फोर में, वो प्रोसेस है। ए सिमिलर प्रोडक्ट कॉल पेट्रोलियम कोक और पेट कोक इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल इन ऑयल रिफाइनरी। क्रूड ऑयल जिसको पेट्रोल भी कहा जाता है। तो इन सब फाइव नेचुरल गैस इज बेटर फॉर द इन्वायरमेंट। नेचुरल गैस जो होता है बेटर होता है इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए, देन अदर फॉसिल फ्यूल के द्वारा अदर फॉसिल फ्यूल के कंपेरिजन में। वाइल नेचुरल गैस इज नॉट एज क्लीन एज सोलर और विंड इनर्जी, इट इज़ द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल इनर्जी सोर्स अवेलेबल। नेचुरल गैस ऑल्सो प्रोड्यूस नियरली ए थर्ड लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन कोल एंड ऑलमोस्ट हाफ लेस देन ऑयल व्हेन बर्न्ड। सिक्स में देयर इज ए रैपिड इंक्रीज इन आवर एनर्जी कंजप्शन बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज मेड पीपुल डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, डीजल इटीसी दैट इज प्रोड्यूस बाई नेचुरल रिसोर्स इटसेल्फ। नेचुरल रिसोर्स से अब खुद से प्रोड्यूस होता है। द पॉपुलेशन ग्रोथ दैट हैज गोन अप बाई ग्राउंड 20% इन द पास्ट डिकेड। अब एंसर सेवन में चलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर द मोस्ट इम्पोर्ट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी टूडे। जाने समझ में आएगा आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। दे आर हाई सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बर्न्ड गिव अस हीट एंड लाइट एंड आर द मोस्ट इफेक्टिव विच हैव मेड देम वेरी वेरी मच डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस फॉसिल फ्यूल आर यूटिलाइज्ड फॉर कुकिंग। ये फॉसिल फ्यूल कुकिंग के लिए यूज होते हैं, टू रन ऑटोमोबाइल इंजन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि गाड़ी सबको चलाना, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। अब इन साइड में शॉर्ट इन से टाइप यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो रहा है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग, क्वेश्चन ये था शायद। द पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज मेनली एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम रिफाइन जो होता है वो मेन होता है क्रूड ऑयल को ट्रांसफर करने के लिए into useful goods such as LPG, gasoline, jet fuel, diesel oil, jet fuel and fuels oil को मतलब रिफाइन करने के लिए पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, ठीक है। ओके अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप टू में हम लोग हैं। इफ रिसोर्स इज रिन्यूएबल इट कैन स्टिल गेट एक्सटेंडेड। इफ वी यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज फास्टर देन दे आर रिन्यूड और इफ वी डिस्टर्ब द नेचुरल मेथड ऑफ दियर रिन्यूएबल देन मोस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट एक्सहाउस्ट। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर इज यूज फास्टर देन इट इज रिन्यूड। मतलब समझे। आंसर टू में है टॉप सोयल कंसिडर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इवन थ्रो इट इज कॉन्स्टेंटली बींग फॉर्म्ड बाई वीडरिंग ऑफ रॉक्स बिकॉज इट टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। वंस टॉप सोयल इज इरोडेड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली। ये सब आंसर है आप देख सकते हैं। अभी आंसर थ्री में हम लोग आए हैं, हम लोग जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे दूसरे वीडियो भी लाना है अभी। वी हैव टू कंजर्व मोर देन आवर एंसेस्टर्स बिकॉज देयर आर सम रिसोर्सेज दैट आर गोइंग टू एग्जिट बिकॉज ऑफ मैन मेड थिंग्स लाइक फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड रेसिडेंस मैनी फॉरेस्ट आर कट। वी नीड टू कंजर्व वाटर फॉर आवर कमिंग जनरेशन एज टूडे मोस्ट रिवर आर पोल्यूटेड कॉल्ड वाटर पोल्यूशन एंड मैनी थिंग्स। अब इन सब फॉर्म में है। कोल इज फॉर्म वेन डेड प्लांट मैटर डीके इन टू पीट एंड इज कन्वर्टेड इन टू कोल बाई द हीट एंड प्रेशर ऑफ डीप ब्यूरिल ओवर मिलियन ऑफ ईयर। यानी कोल जो फॉर्म होता है जब डेड प्लांट सड़ने लगता है, गलने लगता है, इन टू पीट एंड मतलब उसमें मिलियन साल लग जाता है, उसके बाद आप कोल को यूज कर पाते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ कोक इज एज फ्यूल। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ कोक जो कोक का मेन यूज होता है उसको एज ए फ्यूल के रूप में लोग यूज करते हैं। फॉर स्टोव्स, फर्नेस एंड ब्लैक स्मिथिंग इट इज द समथिंग प्रेफर्स ओवर कोल बिकॉज बर्निंग कोक प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल स्मोक। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस आयरन इन ब्लास्ट ऑफ फर्नेस। कोक इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील एंड मेनी अदर मटेरियल्स। एंड सिक्स में चल रहे हैं। पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल क्रूड ऑयल इट इज फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट मेरीन ऑर्गेनिज्म
सच एज प्लांट एल्गी एंड बैक्टीरिया मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एल्गी एंड प्लांट लिव इन शैलो सीज। ठीक है, क्वेश्चन 7 में चलते हैं। पैराफिन वैक्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड इज यूज इन मेकिंग ऑइंटमेंट वेसलाइंस एंड कैंडल्स। बिटुमेंट इज यूज इन पेंट फॉर द सरफेसिंग ऑफ द रोड। पेट्रोल, पेट्रोल इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड गाड़ी में यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है इट इज यूज टू लुब्रिकेट द मशीन पार्ट, मशीन पार्ट को लुब्रिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनर्जी जुडिशियली, द एनर्जी कैन बी यूज सस्टेनेबली, दैट मीन्स द एनर्जी कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन विल डिक्रीज, द विल कीप इन बैलेंस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पर्सन। अब लॉन्ग एंसर टाइप में चलते हैं, जो एंसर 1, 2, 3 तक होगा, हाँ 4 तक है, सॉरी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कैरीड आउट बाय द हीटिंग कोल स्ट्रॉन्गली टू 1000 degrees इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर। इट यील्ड वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑब्टेन एंड देयर यूजेज आर लिस्टेड बिलो। कोल टार यूज टू मेक पेस्टिसाइड्स एक्सप्लोजिव्स परफ्यूम्स। ओके, एंसर 2 में द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरीड आउट इन एन ऑयली रिफाइनरी। द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इन टू डिफरेंट फ्रैक्शंस इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द वेरियस यूजफुल फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेरफिक्स वैक्स, बिटुमेन। यूजिंग रूम कूलर्स इन, ये आंसर 3 है। एयर कंडीशन, गीजर्स, एटीसी ओनली वेर नीडेड। रिड्यूसिंग द फ्लेम ऑफ द बर्निंग वाइल कुकिंग टू सेव फ्यूल। यूजिंग CFLs एंड ट्यूबलाइट्स विच यूज लेस एनर्जी इंस्टेड ऑफ बल्ब। ओके, CNG इज ऑब्टेन इन द फॉलोइंग वेज। दिस नेचुरल गैस इज एफिशिएंट फ्यूल। लेटर द नेचुरल गैस इज द कंपेरिजन टू द 1% ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड देन द कंप्रेस्ड गैस इज स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर्स इन द फॉर्म ऑफ CNG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में डालूंगा अभी तुरंत थोड़ी देर में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें।